हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राहुल वर्धन व्लॉग्स। आज है डे 6 और अभी हम लोग गुलमर्ग से चेकआउट करके सोनमर्ग की तरफ रवाना होने वाले हैं। और ये जो खूबसूरत सी रूम आप लोग देख रहे हो, काफी सुंदर रूम था हमारा गुलमर्ग में, जो है यम्बरजल होटल का रूम नंबर 109। सो इफ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉल एंड बुक। गुलमर्ग से सोनमर्ग का डिस्टेंस 125 किलोमीटर है, जिसमें 3.5 से 4 घंटे तो लगी जाते। हम लोग अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके निकल पड़े थे सोनमर्ग के लिए, बिकॉज हमें जोजिला पास, खाजवास ग्लेशियर, जीरो पॉइंट और अगर हमें टाइम मिलता तो द्रास भी जाने का हम लोगों ने सोचा था। बट सिंस अप्रैल का फर्स्ट वीक में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, सो चांसेस बहुत कम थे, बिकॉज स्नोफॉल की संभावना भी बनी हुई थी। मैक्सिमम टूरिस्ट जो सोनमर्ग घूमने जाते हैं वो खाजवास ग्लेशियर ही घूमने जाते हैं, बिकॉज जोजिला पास और जीरो पॉइंट मैक्सिमम टाइम बंद ही रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। अगर आप चाहे तो डे ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, बट मेरी सजेशन में आपको यहाँ एक दिन जरूर रुकना चाहिए। शायद आप भी मेरी तरह लकी हो जाओ और आपको भी हैवी स्नोफॉल देखने मिल जाए। किसी ने सही कहा है, सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। आज इसका सही मतलब मुझे और आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। वीडियो में आपको भले ही नहीं समझ में आ रहा होगा, जितना खूबसूरत यहाँ आपको वीडियो में दिख रहा है, रियलिटी में जब आप आओगे कश्मीर, आपको कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। सो इस सफ़र का मज़ा लीजिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग ग्लेशियर ढाबा पे, जहाँ पे हम लोग नाश्ता करने वाले हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं ग्लेशियर ढाबा पे, पिएंगे, वेज थाली ऑर्डर किए हैं, वेज थाली खाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे। ओ भाई साहब, गजब कॉफी। सो गाइज, वेज थाली खाने के बाद मज़ा आ गया। 250 का वेज थाली बहुत ही टेस्टी है, अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। सो नाश्ता करते हैं और निकलते हैं सोनमर्ग के लिए। प्यारा मौसम और खूबसूरत रास्ते देखते देखते हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए। जनरली स्नोफॉल की वजह से मैक्सिमम टाइम रोड्स बंद रहते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया टनल का प्रोजेक्ट पास किया था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो इन केस अगर आप स्नो सीजन में अगर आप आ रहे हो और आपको डर है कि आपका रोड ब्लॉक होगा, सो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज ये टनल डायरेक्ट आपको जोजिला पास का भी एक्सेस दे सकेगी। सो गाइज, देखते देखते ही हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए और ये जो रास्ता है ये जोजिला पास की तरफ जाता है, जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे पुलिस गार्ड्स खड़े होते हैं और किसी को आगे जाने नहीं देते हैं। आई गेस भीड़ देखकर आप भी चौंक गए होंगे जैसे मैं चौंक गया था।
गाइज, सोनमर्ग जो है वो स्नो के लिए फेमस है। कश्मीर में आपको कहीं स्नो मिले ना मिले, सोनमर्ग में जरूर मिलेगी, खाजवास ग्लेशियर में। सो इसीलिए यहाँ पे इतनी सा ज़्यादा क्राउड है, बट हमें क्राउड अवॉइड करना था। सो हम लोगों ने स्नो बाइकिंग के लिए बुकिंग किया, हमारे ड्राइवर के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। सो अगर आप ताबिज भाई के साथ आओगे सो आप उनसे बात करके बुक कर सकते हो। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हम लोग जा रहे हैं स्नो बाइकिंग से, स्नो बाइक से हर जगह इसको जहाँ भी जाती है। मज़ेदार, चार दिन हो गए उधर, पहलगाम और डूबना हो गया। स्नो बाइक हमारे यहाँ आ गई है, हम लोग स्नो बाइक से जाने वाले हैं। 4000 रुपीज़ टू पीपल। खासबास ग्लेशियर तक का इन्होंने मेरे से चार्ज किया है और इसमें ही शूज़ एंड जैकेट्स दोनों 4200 में पूरा फाइनल हुआ है मेरा। सो आई थिंक फेयर डील है। वाह गाइस, ये देखो, ये है खासबास ग्लेशियर। यहाँ पे अगर आप आओगे खाजवास ग्लेशियर में, फ़ोटो खींचने वाले और स्लेजिंग वाले 100 रुपया पॉइंट 200 रुपया पॉइंट करके बोलेंगे, आप लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते चलो। 4200 बोले में 70 राम थे, वो शूटिंग यहाँ हुई थी सलमान खान की। हाँ भैया ठीक है, ठीक है यहाँ हुई। खाजवास ग्लेशियर जिसको बोलते हैं वो इधर है, खाजवास ग्लेशियर। आप हम लोग के साथ ही थे क्या गाइड में? गाइडिंग पर आएंगे सर, आपको वहाँ से रास्ता दिखा कर। नहीं हम लोग का गाइड जो था, आप लोग आप हो कि कोई और है क्या? नहीं हूँ ना। हाँ नहीं हूँ ना। आपको वहाँ जो बुकिंग हो आप ही हो? तो फिर रहने दो भैया, चलो अपने से चल जाएंगे। वो आपका दिन बनेगा वो दे देना। नहीं, कोई नहीं भैया, खुद से चला जाएगा, हम लोग छोड़ दो। कोई नहीं भैया, खुद से चला जाएगा, छोड़ दो। फिर से कोई भी नहीं है यहाँ पे, और जब कोई नहीं रहता है तब हम लोग को बहुत मजा आया। वाह लगा जम जाएंगे। मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ने जा रहे हैं, आ गया बॉर्डर। हम लोग आ चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये है इंडिया और वो है पाकिस्तान। सो फाइनली हम लोग ट्राई करेंगे पाकिस्तान में जाने का, जैसे मुन्नी गई थी बजरंगी भाईजान में, वहाँ उस मूवी में यही बॉर्डर हुआ करता था यहाँ इंडिया, जहाँ पे शूट हुआ था। सो ऊपर है खाजवास ग्लेशियर, हम लोग जाएंगे अब खाजवास ग्लेशियर में, कोशिश करेंगे ऊपर नहीं जाना। सही जा रही हो। गिरते पड़ते
पूरा खुला हुआ यार, ये देखो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। हम लोग खुद से ही ऊपर आए, फिर ऊपर जाके थोड़ा स्लेज लिया हम लोगों ने। वो देखो वो है खाजवाज ग्लेशियर, देख सकते हो वहाँ पे। हमारी गोप्रो की बैटरी तो काम नहीं कर रही है, 40% है, फिर भी वो बार बार ऑफ हो जा रही है। सो हम लोगों ने फ़ोन से ही सोचा शूट कर लेते हैं, इतनी अच्छी लोकेशन फिर कहाँ मिलेगी। ओह माय भाई, गिरते गिरते बचा मैं, पर क्या होता है ना लिए डुग्गू मेरा निकनेम है, अगर आप सोच रहे होंगे कि कौन है डुग्गू। अभी इसके बाद मेरा कल का स्टे भी यहीं पे है सोनमर्ग में, मैं वो हो सकता है वो मैं कैंसिल करके, दूधपत्री मैंने नहीं घूमा, सो मैं वहाँ जाऊँ। लेट्स सी क्या करते हैं, आज रात को रुक के कल सुबह डिसाइड करते हैं। और ये भी हो सकता है कि हम लोग आगे द्रास चले जाएं, वॉर मेमोरियल कारगिल का 0 पॉइंट भी बाकी है। लेट्स सी अगर कल 0 पॉइंट करके हम लोग वापस रिटर्न हो सके। हम लोगों ने स्लेज बुक नहीं किया था, थोड़ा ऊपर आके एक भैया को हम लोगों ने 500 दिया, 600 दिया, और बोला कि चलो आप ऊपर तक लेके चलो, और वहाँ पर ले जाके फोटोज वीडियोज भी क्लिक कर दिया हम लोगों ने। सो जनरली अगर नीचे से आओगे तो थोड़ा चार्जेस ज़्यादा बोलेंगे 100 रुपीज़ पर पॉइंट, 200 रुपीज़ पर पॉइंट करके 600 एक स्लैच का लेने वाले थे, और हम लोगों ने 600 में ही कर लिया पूरा 2 घंटा। इवनिंग में हम लोग होटल में रिलैक्स कर ही रहे थे, तभी हमें भारी स्नोफॉल फिर से देखने मिली अपने रूम के खिड़की से बाहर। और गाइज क्या नज़ारा था, इस नज़ारे के साथ हम लोग इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में जो होगा Day 7 का, जिसमें हम लोग सोनमर्ग से डल लेक जाएंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।